दोस्तों नमस्कार, मैं अमानत, आप सभी का स्वागत है अमानत डी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप सभी को ये वाला फंड देने वाला हूँ, कंवरिया डोले है, जो सिल्फी राज के सॉन्ग में यूज हुआ है। तो ये वाला फंड अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड आपको ध्यान से देख लेना है, उसके बाद इसको अनजिप कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे अनजिप करके भी दिखाऊंगा किस तरह से आपको पासवर्ड डाल के इसको अनजिप करना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि आपका पासवर्ड गलत बता रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप हमें कमेंट करिए कि सही है या पासवर्ड है गलत। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फंड का लिंक मिल जाएगा। तो लिंक देखिए हम यहाँ पे व्हाट्सएप में कॉपी करके रखे हैं, तो ये लिंक आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। यहाँ ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डाउनलोडिंग चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, पहले से हमारे में फंड है तो दोबारा डाउनलोड करने का बोल रहा था, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोबारा डाउनलोडिंग चालू यहाँ पे हो गया और डाउनलोड हो भी गया। तो जैसे डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आरआर एप्लीकेशन को ओपन करना है। आरआर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में चला जाना है। उसके बाद से आप जो फाइल मतलब डाउनलोड किए उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो हमें अभी ये डाउनलोड किए, देखिए यहाँ पे 7:01 टाइम जो दिखा रहा है, तो इसके ऊपर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, प्लस के बगल में जो तीर का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए और पासवर्ड आप ध्यान से डाल दीजिएगा, नहीं तो आप बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पासवर्ड आपका गलत बता रहे हैं। तो आपके सामने मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ, देखिए 4038। आप पासवर्ड यहाँ पे देख लीजिए, 4038 4038 ये वाला पासवर्ड है। आपको यहाँ पे डाल के बाद यहाँ पे ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइल ओपन लिख दिया। जैसे ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिकोड पैड एप्लीकेशन में आ जाना है। इसका यूनिकोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूनिकोड पैड एप्लीकेशन में आना है और देखिए यूनिकोड पैड में आपको कुछ इस तरह से शो करेगा। यहाँ पे फंड ऐड करना पड़ेगा पहले, तो आपको शेयर के नीचे जो छोटा सा एरो का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपने फाइल में लेके आ जाएगा, तो उसमें आपको डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। जो फंड हम डाउनलोड किए वो फाइल आपको यहाँ पे शो करेगा, देखिए यहाँ पे। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे फंड शो करेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फंड ऐड हो गया। यहाँ पे आपको एल्बम का जो भी एल्बम का नाम लिखना है यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांवरिया यहाँ पे लिख दिया। कांवरिया यहाँ पे आपको लिख देना, देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सब आपको देख के लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है कांवरिया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख लेना है ये वाला इसके ऊपर का जो मंत्र है वो आपको दे देना है। यहाँ पे इसमें आपको सब एक एक अक्षर को आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता है इसमें। तो देखिए ऊपर का मंत्र है यहाँ पे, तो पहले आपको ये वाला दे देना है, उसके बाद ये, फिर यहाँ पे इसी तरह से लिख लेना है और यहाँ से देखिए यहाँ पे खाली आ जाओ, इसके ऊपर स्पेस कर देंगे इस तरह से, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा कंवरिया डोले। तो यहाँ ये लिखना है तो आपको हाँ यहाँ पे देख लेना है, उसके बाद से ये मंत्र दे देना है कंवरिया डोले है। इतना लिखने के बाद आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको पिक्सल में आ जाना है। तो पिक्सल में देखिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट कर दे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और न्यू टेक्स्ट जो लिखा है इसको इस तरह से करके जो यहाँ से कॉपी किए उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है
फंड वाला ऑप्शन में, उसके बाद से माई फंड में आ जाना। यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है फंड, तो आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो इस तरह से फाइल आपको शो करेगा, वहाँ पे क्लिक करके ऐड सेलेक्टेड कर देना है। जैसे ऐड सेलेक्टेड करेंगे तो आपको यहाँ पे फंड ऐड हो जाएगा, उसको क्लिक कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे ओके कर देना है इस तरह से। आपको यहाँ पे इस तरह से एक बार और इसको कॉपी कर लेना है, इसको दोनों को अलग अलग कर देना है इस तरह से, यहाँ पे दोनों अलग अलग कर देना है। देखिए इस तरह से आपको दोनों को अलग अलग कर देना है। इसका जो साइज है थोड़ा इस तरह से बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इसमें कलर कर देंगे, इसमें हम येलो कलर दे देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे स्टॉक दे देंगे ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का स्टॉक यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए शेडो यहाँ पे दे देंगे रेड कलर का इस तरह से, इसको भी थोड़ा इनेबल कर देंगे और इस ब्रश को थोड़ा कम कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टाइलिश पे क्लिक करना है, इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे इस तरह से, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको लॉक कर देना है इस तरह से, और ये है इसके ऊपर क्लिक करना है। आप स्टाइलिश में आना है और यहाँ पे ब्राउज लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, माई स्टाइलिश में जाना है और इसको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे एक ही बार में हो जाएगा एक क्लिक में। तो इस तरह से आप आसानी से करके आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह से फंड को आप आसानी से लिख सकते हैं, जो भी आप एल्बम का नाम लिखना चाहते हैं उस तरह से लिख कर आप यहाँ पे इस तरह से इसमें कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरह हो जाएगा, इतना इस तरह कलर कर देंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मर्ज कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे इस तरह से, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, या आप जिधर चाहे उधर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा बड़ा इस तरह से करके आप एक साथ इसको सभी को एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके इसको पीएनजी में सेव करके कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।